हेलो दोस्तों, आदि क्रिएशन आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती है। दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं एक रोमांचक सफ़र में गिरधपुरी धाम दर्शन के लिए। पहले वीडियो में आपने देखा बाबा जी का मंदिर, सफरा माता घुसती मठ और जैत खाम। आज हम लोग चलने वाले हैं बाबा जी का जन्मस्थली, सफरा माता का पहला मठ और अमर गुफा के लिए। तो चलिए, तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफ़र के लिए, चलिए चलते हैं। दोस्तों, गुरु बाबा का जन्मस्थली मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है गांव में, जहां आपको जाने में कोई भी असुविधा नहीं होगा। आपको सामने में रास्ते में दिख भी जाएगा कि रास्ता कौन सा है और आप पूछ भी सकते हैं कि बाबा जी का जन्मस्थली कहां है। तो हम लोग इस रूट में जा रहे हैं, हमारे साथ चलिए। हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। ये देखिए, सामने बाबा जी का जो घर है हमको नज़र आ गया है। ये देखिए, बाबा जी का जन्मस्थली यही है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है बाबा जी का जन्मस्थली। सामने में आपको एक बहुत ही खूबसूरत जैत खाम दिख जाएगा। एक जगह को सुरक्षित कर दिया गया है। पहले ये जगह काफी बड़ा हुआ करता था, लेकिन अब संरक्षित कर दिया है बाबा जी के स्थान को। दोस्तों, यहाँ से थोड़ी दूरी में एक सरोवर है जहाँ पे सफरा माता को भूमिगत किया गया था। ये रास्ता है जो आप देख ही सकते हैं, अगल बगल में खेत खलिहान, कितना सुंदर लगता है रास्ता। अगर सरोवर देखे तो सरोवर भी बहुत ही खूबसूरत है। कहा जाता है कि जब गुरु अमरदास जी को बाघ ने उठा कर ले गया था, तो माता जी ने पुत्र के वियोग में अपना देह त्याग दिया था। उसके पश्चात यहाँ उनको लाकर भूमिगत किया गया था और यहीं से बाबा जी ने उनको जीवित किया था। ये देखिए, ये है सफरा माता जी का मठ और ये सरोवर है, आप देख ही सकते हैं। कहा जाता है कि सफरा माता ने घासीदास बाबा से यहीं पे एक वचन लिया था कि मुझे आफी के जैसा एक पुत्र चाहिए। इसके बाद और बाबा बालकदास की प्राप्ति हुआ, उसके बाद में और उनके पुत्र हुए और माता सुभद्रा जन्म लिए थे। ये देख सकते हैं, यहाँ पे जैत खाम है। ये मठ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे मुख्य मंदिर का जो पुजारी था, मुख्य पुजारी, उनका मठ है। ये देखिए, दोस्तों इसके बाद हम लोग अमर गुफा चलेंगे। अमर गुफा जाने के लिए जैत खाम के बगल से जो रास्ता गया है वो महकोनी गांव गया है। महकोनी गांव से लगभग 3 किलोमीटर के आसपास में एक जंगल है जहां पहाड़ है। वहां पे कहा जाता है कि बाबा अमरदास जी को जब शेर ने पकड़ा था, उसके बाद यहीं पे लाकर उनको रखे थे। Thank you.
देखिए दोस्तों, ये है अमर गुफा। हम लोग पहुंच गए। गुफा में काफ़ी छोटे छोटे और गुफाएं हैं जो काफ़ी डरावने हैं। कृपया शाम के समय यहां ना आए, क्योंकि यहां सांप और अन्य जानवरों का बसेरा रहता है। चमगादड़ तो आपको दिन में ही दिख जाएंगे जो लटके हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय सत्य।